सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मेरा जितना भी वीडियो यूट्यूब में है, आप अगर हर एक वीडियो को देखोगे तो कभी भी कोई भी जगह पे वीवो या ओप्पो के 10,000 से लेकर 20,000 के कोई भी फोन को मैंने अच्छा नहीं बोला है, किसी को भी रिकमेंड नहीं किया है, क्योंकि वीवो और ओप्पो के जो फोन आता है 10 से लेकर 20,000 के बीच, वो एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी नहीं होता है, उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है। उसका जो स्पेसिफिकेशन होता है 20,000 के फोन में, वही स्पेसिफिकेशन आपको दूसरा कंपनी में मिल जाएगा कुछ 10 से लेकर 12,000 में। इसी कारण मैं वीवो या ओप्पो के फ़ोन 20,000 के रेंज में जो है उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। मगर हाल ही में वीवो एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है, वो वीवो Z1 Pro। इस फोन के जो स्पेसिफिकेशन है और जो प्राइस है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी फोन होगा और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा होगा। आज हम बात करेंगे इस वीवो Z1 Pro के बारे में, इसका फुल स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका प्राइस क्या है और ये एक्चुअली आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं इस वीवो Z1 Pro फोन के बारे में, टोटल स्पेसिफिकेशन इसका क्या है और इसका प्राइस क्या है। दोस्तों पहले आते हैं इस फोन के डिस्प्ले को लेकर, क्योंकि डिस्प्ले एक ऐसा चीज होता है जिसके ऊपर हमारा नजर ज्यादा रहता है। तो इस फोन में जो डिस्प्ले आपको मिलेगा वो मिलेगा 6.53 इंच की FHD+5 डिस्प्ले मिलेगा, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 19.5:9 और IPS LCD डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। यानी कि देखा जाए तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसके प्राइस के हिसाब से जो आने वाला है डिस्प्ले वो बहुत ही अच्छा है, अभी तक इस प्राइस में कोई भी पंचोल कैमरा आपको देखने को नहीं मिला है। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं इस फोन के प्रोसेसर को लेकर, क्योंकि इस फोन के प्रोसेसर भी एक हाईलाइट है। इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 10 NM टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर है जिसका क्लॉक स्पीड है 2.3 GHz। यानी कि अच्छे स्प्लिट इस फोन में आपको देखने को मिलेगा और गेमिंग के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसका जो GPU है या ग्राफिक्स है उसको वो आपको मिलेगा एड्रिनो 616। यानी कि अच्छे ग्राफिक्स के साथ ये फोन आएगा तो आपको पबजी जैसा गेम खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आप कॉल ऑफ ड्यूटी भी इस फोन में खेल सकते हो। यानी कि देखा जाए तो गेमिंग के हिसाब से भी ये फोन बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों अभी आते हैं इस फोन के स्टोरेज को लेकर। इस फोन में आपको देखने को मिलेगा 4 GB की रैम और 64 GB का रोम और एक्सपेंड कर सकते हो 256 GB तक। यानी कि देखा जाए तो स्टोरेज के मामले में भी एकदम ठीक ठाक है। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा को लेकर, क्योंकि इस फोन में जो कैमरा आएगा वो भी एक हाईलाइट है। इस फोन में आपको पीछे में देखने को मिल जाएगा ट्रिपल कैमरा, एक रहेगा 16 MP के प्राइमरी सेंसर, एक रहेगा 8 MP के वाइड एंगल के लिए और 2 MP के डेप्थ सेंसिंग के लिए। 16 MP का जो कैमरा रहेगा उसके एपर्चर रहेगा f1.78। यानी कि अच्छे फोटो लेने के लिए ये फोन बहुत ही अच्छा होगा और नाइट में फोटो बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके फ्रंट में जो कैमरा आपको देखने को मिलेगा सेल्फी कैमरा, वो 32 MP का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा और उसका एपर्चर रहेगा f2.0। यानी कि कैमरा के हिसाब से देखा जाए तो ये फोन कैमरा के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा होने वाला है और नाइट में जो फोटो आएगा इस फोन में बहुत ही जबरदस्त आने वाला है। तो इस फोन में और भी एक हाईलाइट है, वो है बैटरी को लेकर, क्योंकि इस फोन में आपको बैटरी देखने को मिलेगा 5000 mAh की। 5000 mAh की बैटरी आपको इस फोन में जैसे देखने को मिलेगा, उसके साथ फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप डेली यूज में अगर गेमिंग भी करोगे तो 2 दिन आराम से इस फोन में आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो देखा जाए तो बैटरी बैकअप के हिसाब से भी ये फोन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अभी बात कर लेते हैं इस फोन के डिज़ाइन को लेकर, क्योंकि इस फोन में जो आपको डिज़ाइन मिलेगा वो गार्डियन डिज़ाइन मिलेगा। हालांकि वो बॉडी प्लास्टिक बॉडी है मगर देखने को बहुत ही अच्छा लगेगा। इस फोन के जो कैमरा है, कैमरा के साइड में आपको फिंगरप्रिंट्स भी देखने को मिल जाएगा और इसके नीचे 3.5 mm जैक, यानी कि 3.5 mm जैक बहुत ही कंपनी बंद कर रहा है मगर इस फोन में आपको 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाएगा। और सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड पाई अपडेट आउट ऑफ बॉक्स। इसमें जो सिम कार्ड है डुअल सिम सपोर्ट करेगा, डुअल 4G स्टैंड बाय रहेगा और एक microSD कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस फोन का टोटली स्पेसिफिकेशन जो है बहुत ही अच्छा है और इसका जो प्राइस होने वाला है
वो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो देखा जाए तो टोटल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा फ़ोन है। और अभी आते हैं इस फोन के प्राइस को लेकर। इस फोन का जो प्राइस होने वाला है वो कुछ 15,000 रुपया। 15,000 रुपया के अंदर इतना कुछ स्पेसिफिकेशन, चाहे वो कैमरा हो, प्रोसेसर हो, बैटरी हो, पंच होल डिस्प्ले हो, सब के सब एकदम देखा जाए तो बहुत ही लोडेड। एक्चुअली जो वीवो के बोलने का तरीका है कि फुल्ली लोडेड फ़ोन, तो वो एकदम सही बैठता है इस फोन के साथ। और एक चीज़ है, आप इस फोन को 15,000 के नीचे भी बाई कर सकते हो, क्योंकि आप जब फ्लिपकार्ट से लोगे तो ICICI बैंक या HDFC बैंक या आपको मिल जाएगा एक्सिस बैंक के कार्ड के थ्रू परचेस करने में कुछ 5 से लेकर 10% तक डिस्काउंट। अगर ये डिस्काउंट मिल जाए तो आप कार्ड के थ्रू कर सकते हो, उसमें भी कुछ 1-1.5 हज़ार रुपया कम आएगा। तो देखा जाए तो इस फोन का कीमत कुछ हो जाएगा 13,500 रुपया। और 13,500 में इतना कुछ फीचर्स है, और वीवो एक अच्छे ब्रांड है, क्योंकि उसका लो बजट का जो फ़ोन होता है वो बजट के हिसाब से प्राइस एकदम प्राइस सही नहीं रहता है। मगर अगर हाई वेरिएंट में देखोगे तो फ़ोन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा अच्छा काम करता है और नया नया काम करता है वीवो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल वीडियो इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।